पे हमारे साथ हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, आपने ईवीएम को लेकर अभी कई सारे धरने प्रदर्शन करे थे, लेकिन लाखों के सैलाब को यहाँ पे आज फिर दोबारा एकत्रित क्यों करा? देखिए, बहुत सीधा है, जब तक ये ईवीएम का मुद्दा तब तक चलेगा जब तक ईवीएम खत्म नहीं हो जाती और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो और ये सरकार बर्खास्त होकर दोबारा से लोकसभा चुनाव नहीं हो, तब तक हमारा आंदोलन लगातार चलेगा, सड़कों पे चलेगा। हम इसके साथ साथ मीटिंगें लगातार अब इसके बाद में पूरे देश में मीटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में सड़क पर पदयात्रा भी करेंगे, रेल रोको आंदोलन भी चलेगा और इसके साथ साथ में हाईवे भी जाम किए जाएंगे, सब कुछ होगा। हर तरह का आंदोलन इस सरकार को हटाने के लिए, जो ईवीएम के माध्यम से बेईमानी से चुनी गई सरकार है, इसको हटाने के लिए करेंगे। आज तमाम पार्टियां आपके पूरे नेशनल लेवल पे सभी पार्टियां आपसे जुड़ रही हैं, उसका क्या कारण है? नहीं देखिए, उसका बहुत सीधा कारण है, जो लड़ाई ईवीएम की है वो मेरी भी लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है, हर पार्टी की लड़ाई है, हर व्यक्ति की लड़ाई है, हर नेता की लड़ाई है, तो इस लड़ाई में सबको जुड़ना पड़ेगा, ये सबकी लड़ाई है और सब मिलकर ही इस लड़ाई को जीत पाएंगे और इस सरकार को बर्खास्त करा पाएंगे। अगर नहीं हुआ ईवीएम रही तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितने संगठन बना लीजिए, कितने भी आप इकट्ठे हो लीजिए, कितनी भी ताकत आप पैदा कर लीजिए, ईवीएम है तो कुछ नहीं होगा, ईवीएम है तो यही सरकार 50 साल तक राज करेगी जैसा अमित शाह कहता है। मानो जी, बड़ी पार्टियां कोई भी ईवीएम के विरोध में नहीं आ पा रही हैं खुल के, उसका क्या कारण है? इसका कारण सिंपल ये है कि या तो वो डरी हुई हैं या वो इस जनता के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर वो जनता के प्रति ईमानदार हैं और समझते हैं कि जनता के प्रति उनका कोई कर्तव्य बनता है तो उन्हें इस आंदोलन में आना चाहिए, अन्यथा जनता मान लेगी कि वो भी बेईमान है और वो भी जो उसी में शामिल है उसी के साथ में शामिल है ईवीएम वालों के साथ में। आपकी अपनी पार्टी के अलावा और कितनी पार्टियां आपके साथ हैं और कितनी पार्टियों का समर्थन मिलके क्या लगता है कि आप परिवर्तन कितना कर पाएंगे ईवीएम को? परिवर्तन हम इसमें पूरा कर पाएंगे, धीरे धीरे हमारे साथ पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से लगभग 50 पार्टियों का और तकरीबन 100 के आसपास संगठनों का हमें सहयोग मिल चुका है। पूरे देश भर में बहुत से लोग यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन उस सबके बावजूद भी, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी बम्बई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, इसके अलावा जितने भी बड़े शहर हैं उनमें हो, हर प्रदेश में आज हमारे साथ में व्यक्ति जुड़ चुका है। चाहे नीचे आप साथ में चले जाएं, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और आपका जो है चाहे उड़ीसा में है, चाहे पश्चिम बंगाल में है, चाहे झारखंड में है, चाहे बिहार में है, चाहे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आप इधर गुजरात में चले जाएं, गुजरात से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, राजस्थान में है, पंजाब में है, आपके हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, हर जगह, नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, असम में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, मणिपुर में है, सिक्किम में है, हर जगह से साथी हमारे साथ में जुड़ चुका है। भानु प्रताप जी, एक आखिरी सवाल कि आपकी ईवीएम की छोटी सी चिंगारी ने आज पूरे देश के अंदर आग का रूप ले लिया है, अभी विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है कि जो विधानसभा के चुनाव है वो ईवीएम से हो पाएंगे या बैलेट पेपर से होंगे, और अगर वो आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं और विधानसभा के अंदर चुनाव किस रूपरेखा से होंगे वो बताएं? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है, हम पूरी ताकत लगा देंगे इस देश में अब के बाद में कोई भी चुनाव ईवीएम से ना हो, चाहे वो किसी भी विधानसभा का हो, जो चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे उनमें हो या उसके बाद दिल्ली में हो या फिर बिहार में हो, कहीं भी हमारी पूरी कोशिश है, पूरी ताकत हम लगाएंगे कोई भी चुनाव ईवीएम से न होने पाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। आप थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, जिन्होंने बताया कि अभी जितने भी पार्टियां हमारे संगठन में आ गई और आने वाले चुनाव जो होंगे वो सारे के सारे ईवीएम की छोड़ के बैलेट पेपर से होंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।